आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए पीवी राव की लिखी झलकी शाही दावत। निर्देशिका है साधना भारद्वाज। तूफान में 28 मरे। इति सुनती हो सुधाकर? एडिटोरियल। अजी सुनो जी, तुम हमेशा न्यूज़पेपर को चाटने में लगे रहते हो, जरा मेरी भी तो सुनो। मेरी एक समस्या है। मालिक है, इसका मतलब है कि मेरी मुसीबत आई। सुधाकर, अच्छा बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? नहीं, नहीं नहीं नहीं। और एक अच्छे पति होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी मुझे निराश ना करो। हाँ ओके ओके। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम तो जानती ही हो, खाजापुर के महाराजा और महारानी हमारे शहर में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, फिर आगे बोलो। महाराजा साहब अपने पैसे से खाजापुर में एक अस्पताल बनवा रहे हैं। अच्छा। वो उदार हैं, इसलिए दूसरी संस्थाओं को इस अस्पताल में निर्माण के लिए दान देने की इजाजत भी दे रहे हैं। अरे वाह, इसमें संदेह नहीं कि वो बहुत ही उदार हैं। हिज हाइनेस ने हमारे महिला मंडल की कार्यकारिणी समिति की दो मेंबर्स अंबिका और लक्ष्मी से इस विषय में बातचीत की है। अच्छा, लेकिन हिज हाइनेस ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हाँ। अरे ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इस पचड़े से दूर ही रखा। लेकिन मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ जी। ओह। मैं चाहती हूँ कि हिज हाइनेस मुझसे भी सिफारिश करवाएं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसका एक ही तरीका है। क्या? उनको डिनर देना। डिनर? अंबिका और लक्ष्मी ने भी अपने अपने घरों पर उन्हें डिनर दिया था, और हिज हाइनेस ने इन्हीं डिनर पार्टियों में उनसे कहा कि हमारा मंडल अस्पताल के लिए दान दे सकता है। लेकिन सुशीला, और तू और लक्ष्मी और अंबिका हमेशा उन्हीं पार्टियों का जिक्र किया करती हैं, और मुझे वो बातें मुंह बंद करके सुननी पड़ती हैं। जी मैं क्यों पीछे रहूं उनसे? लेकिन लेकिन सुशीला, ऐसे बड़े लोगों को डिनर देना बहुत ही खर्चे का काम है। अरे नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बस किसी अच्छे होटल से खाने की चीजें मंगवा लेंगे और थोड़ी ड्राइंग रूम की सजावट सुधार लेंगे, और कहीं से थोड़ी देर के लिए बढ़िया फर्नीचर किराए पर ले आएंगे। किराए पर? और अब रही बात मेरी पोशाक की, तो सोचती हूँ कि खाजापुर की किसी आदिवासी महिला की पोशाक पहन लूंगी। इससे हिज हाइनेस बहुत प्रभावित होंगे। सुशीला, लेकिन एक बटलर तो जरूर चाहिए। बटलर? हाँ, अगर इतना रौब जमाने के बाद मैं खुद ही डिनर सर्व करूं तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है, तुम कह सकती हो कि हमारा बटलर छुट्टी पर है। छुट्टी पर है और डिनर मैं सर्व करूं? हरगिज नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं बटलर की पोशाक पहनकर बटलर का रोल अदा करूं? हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। सुशीला, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पर सुशीला, मेरे प्यारे सुधीर, याद करो वो दिन जब तुम रात को देर से लौटे थे और तुमको मैंने बता दिया। ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा है? मुझे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट वैसे भी माननी ही पड़ेगी, क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। सुधाकर डार्लिंग, तुम सचमुच आदर्श पति हो, आइडियल हस्बैंड। बस तुम्हें बटलर की पोशाक पहनकर थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल के चारों तरफ जरा चक्कर ही तो काट रहा है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि मुझे क्या करना है। सुधाकर, अजी सब कुछ ठीक ठाक लगा दिया है ना? हाँ, लगा दिया है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं कब वो लोग आ जाए। मुझे तो तुमने नौकर बना के रख दिया है। लगता है वो लोग आ गए। मैं देखता हूँ। अरे तुम मत देखो, मैं जाती हूँ, अंदर जाओ तुम। ओह वेलकम योर हाइनेस, वेलकम, प्लीज। धन्यवाद सुशीला जी, भाई वाह, आप कोई आदिवासी निवास में देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब हम अपनी ही रियासत में हैं, क्यों दीवान जी? यस योर हाइनेस। आपको तो ये पोशाक बेहद सूट कर रही है। जी धन्यवाद। आप है हमारे गुरु जी। नमस्कार। आयुष्मती भव। और आप है हमारे दीवान जी। नमस्कार। हेलो। और आप हैं हर हाइनेस। हमें तो आपका ये फ्लैट बहुत ही पसंद आया। थैंक यू। कितना सादा है मिसेज सुशीला जी। हाँ सुशीला जी,
आपके पति कहाँ है? वो मुझे अफसोस है योर हाइनेस, सुबह ही सुबह उन्हें टोक्यो से मैसेज मिला कि नेक्स्ट फ्लाइट से सिंगापुर पहुंचो। सुबह सुबह ही रवाना हो गए। आपसे न मिलने के कारण वो खुद भी बहुत निराश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ओर से इस हाइनेस से क्षमा मांग लेना। कोई बात नहीं, हम उनसे अगली बार मिल लेंगे। आपके यहाँ ये बटलर ही नजर आ रहा है, बाकी नौकर कहाँ है? बाकी नौकर योर हाइनेस एक ड्राइवर है जो मेरे पति को इम्पोर्टेड कार में लेकर एयरपोर्ट छोड़ने गया है। और एक नौकर है जिसे मैंने अपनी जौहरी के यहाँ भेजा है। वो मैंने पिछले हफ्ते एक हीरो का हार बनाने का ऑर्डर दिया था। अच्छा? उसी को लाने भेजा है, पर आप तो जानती हैं नौकर कैसे होते हैं, अभी तक नहीं लौटा। बच्चों, तुम अपनी इच्छाओं को जितना बढ़ाते जाओगे वो बढ़ती जाएंगी। ये विलासिता की वस्तुएं जीवन को बोझिल बनाती हैं। डिनर सर्व हो चुका है योर हाइनेस, तशरीफ लाइए आप सब लोग। मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं खाता, मेरे लिए तो फल और दूध ही पर्याप्त है। जैसा आप चाहें, आप सब लोग आइए आइए प्लीज। योर हाइनेस प्लीज और लीजिए ना। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपका बटलर तो बड़ा फोहड़ है, इसने हमारे ऊपर सब्जी गिरा दी। आई एम सॉरी योर हाइनेस, ये अभी नया है। बटलर, तुम्हें कुछ भी सलीका नहीं। तुम बुरा मत मानना जी। सुशीला जी, हम कहते हैं इसे आप निकाल दीजिए अभी इसी वक्त फौरन। योर हाइनेस, बटलर मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस शहर में पति मिलना तो आसान है, पर बटलर मिलना नामुमकिन सा है। जरा फुहारी सही, लेकिन ये बटलर पढ़ा लिखा और वफादार है। बटलर जरा पूरी देना। ये क्या किया? पूरी मेज की दूसरी तरफ से फेंकने नहीं चाहिए थी। इस पढ़े लिखे बटलर से तो अनपढ़ बटलर ही भला, जो खाना परोसते वक्त कम से कम पूरियों से बैडमिंटन तो नहीं खेलता। बटलर, तुम हमारे यहाँ बटलर का काम करना चाहते हो या डिस्कस थ्रोइंग के करतब दिखाना चाहते हो? सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं ये पूरियां हर हाइनेस को परोसना चाहता था, पर वो गलती से हिज हाइनेस की गोद में जा गिरी। रियल बटलर तो इंग्लैंड में होते हैं। वहीं से? वाह, क्या कंट्री है। मैं अपना लाइफ का ज्यादा हिस्सा वहीं बिताया है और मेरा बिलीफ है कि इनकी जितनी पेश की जाए वो थोड़ी है। डिनर बहुत बढ़िया रहा सुशीला जी। थैंक यू। हम आपके महिला मंडल को अपने अस्पताल के लिए दान देने का अवसर देना चाहते हैं। योर हाइनेस, मुझे इस बात का फख्र है कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं कार्यकारिणी से सिफारिश करूंगी कि वो आपके अस्पताल को भरपूर दान दे। दीवान जी। यस योर हाइनेस। अस्पताल में दान देने वाले कागजात कार में से मंगवाया जाए। बटलर। क्या? यस सर, यस सर। ड्राइवर से ब्रीफ केस लेकर आओ। लाते हैं ब्रीफ केस लेके आओ, नौकर बना रखा है, सुबह से बुरी हालत कर। क्या भाई, तुम्हारे यहाँ फैंसी ड्रेस है क्या? अरे आज तो पूरे बटलर लग रहे हो यार, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलना निश्चित है। इनको बेवकूफ बनाने का अच्छा मौका है। वो फैंसी ड्रेस। सुधाकर यार, तुम तो जानते हो मैं और ये मेरा साला फैंसी ड्रेस पार्टियों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है। दरअसल वो मैंने ये सोचा कि सुशीला ने तुम्हें इनवाइट कर दिया होगा, और सुशीला ये सोचती रही कि वो मैंने तुम्हें इनवाइट कर दिया होगा। माफ करना यार, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है। मेहमान अभी अभी आने शुरू हुए हैं, वो फैंसी ड्रेस में आए हैं, तुम दोनों भी शामिल हो सकते हो। अच्छा ये बताओ, मेहमान किस ड्रेस में आए हैं? वो कोई महाराजा बना है, कोई महारानी बनी है, स्वामी जी बने हैं। अच्छा? एक अंग्रेज भी है। सुशीला जानते हो, सुशीला आदिवासी की। अच्छा ये बताओ सुधाकर, यार हम दोनों किस ड्रेस में? बोलो बोलो। हम दोनों चंद्रा। तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर की ड्रेस में आ जाओ। अच्छा। और प्रकाश तुम आओ घरेलू नौकर बनकर। सुधाकर वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये पोशाकें आसानी से मिल भी जाएंगी, टाइम भी कम है। थैंक यू भैया, हम पार्टी पर पहुंचे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वो ब्रीफ केस लेके जाना है। लीजिए ब्रीफ केस बटलर जी। गिव मी लीजिए। योर हाइनेस, ये रहे वो पेपर। यस,
सुशीला जी, जी ये रहे वो कागजात जिनसे आपको अस्पताल में दान देने की अनुमति मिलेगी। थैंक यू योर हाइनेस, थैंक यू। तो पार्टी खूब जम रही है बटलर साहब। कैसा बदतमीज ड्राइवर है। ड्राइवर, एयरपोर्ट से तुम इतना लेट क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं? मैं ड्राइवर। हाँ ड्राइवर, इधर आओ तुम्हें समझाता हूँ। अरे बेवकूफ, ये खास किस्म की फैंसी ड्रेस पार्टी है। तुमने देखा नहीं कि महाराजा असली महाराजा का अभिनय कर रहा है? अरे जो पोशाक तुमने पहन रखी है ना, वैसा ही तुम्हें अभिनय भी करना है, समझ गए? तभी तो इनाम मिलेगा। अच्छा, फिर तो बड़ी मजेदार पार्टी होगी। इस बार पार्टी में फर्स्ट प्राइज मेरा ही होगा। आइए पार्टी में। मुझे माफ करें मेम साहब, बटलर ने मुझे अभी बताया कि हमारे मेहमान कितने बड़े आदमी हैं। लीजिए, हमारा नौकर प्रकाश भी आ गया। प्रकाश जी मैम साहब, अभी तक कहाँ थे? मेरा वो हीरो का हार लाए या नहीं? हीरो का हार? हाँ हीरो का हार। वो मैम साहब, मुझे अफसोस है कि मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि आपका हार जो था ना वो गुम हो गया। गुम हो गया जी? खैर कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा होशियार रहना जी। मैं एक और हार का ऑर्डर दे दूंगी। जी बहुत अच्छा। नौकर का हार खो बैठा और इसके माथे पर शिकन तक नहीं, इसका मतलब है वो बहुत धनी है। हम आपके प्यार और मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुए हैं सुशीला जी। हम इसके एवज में कुछ देना चाहते हैं। हम आपको भी अपने अस्पताल की निधि में दान देने का अवसर देना चाहते हैं। थैंक यू। इसके लिए हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, हमें भी तो आपका ऋण चुकाना है। अच्छा? क्या ये इतनी नासमझ हैं कि ऐसा स्वर्णिम अवसर खो देंगी? ये जरूर दान देंगी। तो हम हैं। स्वामी जी आपकी दाढ़ी तो। अरे ड्राइवर के बच्चे, तुम्हें मेरी दाढ़ी में हाथ लगाने का साहस कैसे हुआ? मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ गुरुजी। ना समझ ड्राइवर, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, बाहर जाओ। आई से गेट आउट। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, आप गलत जगह पहुंची हैं। आपको तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तो सुशीला जी, हम लोग चलते हैं। आइए दीवान जी। अरे आइए गुरु जी। अरे महाराजा साहब, महारानी साहिबा, दीवान जी, गुरु जी, आप लोग कहाँ भाग रहे हैं? ये क्या हो रहा है? हमारे सम्मानित शाही अतिथियों को आप इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। मैडम ये धोखेबाज है, धोखेबाज। और योर हाइनेस, आपकी ये शाही 420 आज से खत्म। क्या कह रहे हैं? मैडम हमें इनकी बहुत दिनों से तलाश थी। तलाश थी? ये किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य के बहाने लोगों से पैसा ऐंठकर गायब हो जाते थे। ओ, नो। चंद्रा साहब, आपने हमें सूचित करके अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और एक आदर्श नागरिक होने के नाते आपने अपना कर्तव्य निभाया है। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सिपाही इनको गिरफ्तार करो। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है आप? खड़ी बनाइए। देख लिया मेम साहब। पर यार चंद्रा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अरे यार सुधाकर, वो हुआ यूं कि मैंने जब स्वामी जी की दाढ़ी पर हाथ फेरा तो वो उखड़ गई। मुझे उनका बेनकाब चेहरा नजर आया। अच्छा। मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है। फिर याद आया कि अखबारों में देखा था। वो उसी गिरोह का सरगना था जो लोगों से दान के नाम पर रुपए वसूल कर फरार हो जाया करता था। मैं फौरन बाहर गया और पुलिस को फोन कर दिया। वाह चंद्रा वाह, रियली यू आर ग्रेट। चंद्रा भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना इन उच्चकों को मैं तो सचमुच के महाराजा समझ रही थी। जरा सोचो, इन बदमाशों को खुश करने के लिए मुझे बटलर और तुम्हें ड्राइवर बनना पड़ा। सुधाकर डियर, आई एम रियली वेरी सॉरी। चंद्रा भाई साहब, आप मुझे माफ करें ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। चंद्रा यार, कुछ भी हो, आज के फर्स्ट प्राइज के हकदार तो तुम ही हो। शाही दावत। आप सुन रहे थे पीवी राव की लिखी ये झलकी। निर्देशन था साधना भारद्वाज का। आकाशवाणी दिल्ली की इस भेंट के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।